हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड के बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, जो 5 नंबर का आएगा, जिसको हमने डिफाइन किया है 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, डिफाइन हेनरी लॉ, या तो आ सकता है हेनरी लॉ किसे कहते हैं एप्लीकेशन, राउट्स लॉ किसे कहते हैं इसका एप्लीकेशन, अथवा करके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एट सेम टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस इज मोर सॉल्युबल और देन हीलियम, यानी ये क्वेश्चन कहा गया हाइड्रोजन गैस पानी में ज़्यादा घुलती है, ज़्यादा डिजॉल्व होती है हीलियम की तुलना में, विच ऑफ देम हैज़ हायर वैल्यू ऑफ केएच, तो बताओ किसकी केएच वैल्यू ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने हेनरी लॉ पढ़ा है, तो प्रेशर बराबर केएच इंटू सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी बराबर प्रेशर अपॉन केएच, तो इसका मतलब है केएच कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन गैस पानी में ज़्यादा घुल रही है किसकी तुलना में, हीलियम की तुलना में, इसका मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा सॉल्युबल है तो हाइड्रोजन का केएच कम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, प्योर लिक्विड्स हैं ए बी के, वेपर प्रेशर दिए गए 450 और 700 mm ऑफ मर्करी, इतने टेम्परेचर पर रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, आपको कंपोजिशन बताना है लिक्विड मिक्सचर का, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है ए और बी का लिक्विड में। इफ टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया गया 600 mm, तो बताना है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, थोड़ी सी समस्या आएगी इसे लगाने में, दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, क्वेश्चन है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या है, बच्चों को पता नहीं होता कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या है, इसे हम कहते हैं एजोट्रॉप, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन चैप्टर में। तो राइट देयर टाइप्स आल्सो, यानी एजोट्रॉप कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। एक न्यूमेरिकल इसमें जोड़ा है, एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक इक्वल सॉल्यूशन है 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, एक्सर्ट प्रेशर, उस पर प्रेशर कितना क्रिएट करता है 1.004 bar एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास निकालना है। तो इसमें आपको आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ, जब नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई जाती है उसमें न्यूमेरिकल है ये। अब आपको हम चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का और 3 नंबर का, 5 नंबर का ये भी है। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन, सेल ये दी गई जिंक से Zn+2 हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन दिया कैडमियम का कंसंट्रेशन और कैडमियम हो रहा है, ये एनोड है ये कैथोड है, और इसमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और एक फराडे में 96,500 coulomb में आर की वैल्यू दी गई है, आपको क्या निकालना, पहले ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो फिर डेल्टा जी निकालो। तो नेक्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल और डेल्टा जी बराबर होता है -NFE, तो उससे हम निकाल लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोलारस लॉ, कोलारस लॉ क्या है और उसके एप्लीकेशन लिखो, इसमें न्यूमेरिकल जोड़ा है मैंने, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलरिटी एसिटिक एसिड इज दिस, ये कंडक्टिविटी दी गई है विशिष्ट, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया है कप्पा, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की दी गई है 390.5, व्हाट इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पूछा गया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स आ गया है, ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ओके कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल जोड़ा है फॉर ए रिएक्शन पी से क्यू हो रहा है, ओके ये रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गया, 8 times हो गया जब हमने कंसनट्रेशन पी का डबल कर दिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 नंबर का दिया है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन 2-hexane में डिकम्पोजिशन हो रहा है और नाइट्रोजन गैस बन रही है हेक्सेन और नाइट्रोजन इतने टेम्परेचर पर, और डाटा दिया गया है देखिए T0 सेकेंड पर इतने प्रेशर हो रहा है, इतने सेकेंड पर इतना प्रेशर, इतने सेकेंड पर इतना प्रेशर, आपको बताना है कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसमें, ओके फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है क्या है। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, इसमें से 4 नंबर का आएगा 1+1+2,
पहला क्वेश्चन एक नंबर का है, व्हाट इज द हार्डेस्ट उलझे रूल एंड राइट इट्स मॉडिफिकेशन आल्सो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर मिसेल्स कैसे बनती हैं, इसे एसोसिएट कोलाइड से जोड़ सकते हो। गिवन एग्जांपल ऑफ द मिसेल सिस्टम, व्हाट इज द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, और अंतर बताना है, डिस्टिंक्शन बताना है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। ओके, तो इस तरीके से आपका 19 नंबर का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। इनको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।